गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप सर आर के विद्यालय से पढ़ाई का क्रम आगे रखते हुए आपको क्लास सिक्स मैथ सब्जेक्ट लेके आया हूँ क्लास सिक्स के लिए। और आपको आज एक्सरसाइज वन बी का पहला सवाल बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। आप खोल लीजिए और ध्यान से देखिए एक्सरसाइज वन बी का, क्लास सिक्स वाले एक्सरसाइज वन बी का पहला सब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स। आप पुट माने रखना है, करेक्ट माने सही, सिंबल माने चिन्ह, ग्रेटर देन माने बड़ा का, ओ आर माने अथवा, लेस देन माने छोटा का। बॉक्स में आपको लगाना है, मतलब इस बॉक्स में इस छोटे का या बड़े का एक सिंबल एक चिन्ह का इसमें प्रयोग करना है। देखो कैसे हल होता है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, यहां देखिए वंस है, टेन है, हंड्रेड है, अरे क्या है, थाउजेंड है। ये भी क्या है, वंस है, ये टेन है, ये हंड्रेड है, अरे क्या है, थाउजेंड है। अब जैसे लिखा है तो क्या लिखा है, 1964, और ये क्या है, 8063। तो इस ये तो 1000 है, अरे क्या है, 8000 है। तो 1000 ज़्यादा होता है कि 8000, 1000 ज़्यादा होता है कि 8000, तो 8000 ज़्यादा होता है। तो इसमें हम ऐसे लगा देंगे लेस देन, मतलब ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, लेस देन का चिन्ह है, ए वाला लगा दिए। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को आराम से नोट ले, बॉक्स भी बना दें, उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस पर भी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड। अब यहाँ पे देखते हैं, थाउजेंड टेन थाउजेंड दोनों मिलाएंगे 37000 है, 37642 लिखा है, और इधर क्या लिखा है, 46872। कहने का मतलब 37642 है, 37 और ये क्या है, 46872 है। तो यहाँ 37000 और क्या है, 46। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है, ए बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, स्मॉल है और ये क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें हम भी लेस देन का ही चिन्ह लगा देंगे। सी नंबर, वैसे भी ये जानने के लिए जिधर बड़ा रहता उधर मुँह खुला रहता, देखिए ये बड़ा था इसका मुँह खुला हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सी लिख लेंगे, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। अब इसमें देखते हैं तो लिखा है 50172, और ये क्या लिखा है, 79876। तो इसमें आप देखिए 50172 है और ये क्या है, 79876 है। तो ये 50000 है और ये क्या है, 79000। तो 50000 छोटा होता है और 79000 क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए हम इसमें भी लेस देन का चिन्ह लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर डी, 4478641 बॉक्स बना देंगे, 2618142। इसमें भी वही करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, टेन लैख, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख। ये लिखा है 44,78,641, अरे क्या लिखा, 26,18,000,
142। आप बच्चों देख सकते हो ये 44 लाख है और इधर क्या है 26 लाख है। अगर आप कंपेयर करो तो 44 लाख ज़्यादा होता है, 26 लाख क्या होता है कम होता है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे ग्रेटर देन। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और इसको अपने कॉपी में आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको हम जब आप ध्यान से लिखिएगा और उसके बाद इसको हम धीरे से डिलीट कर देंगे। एक्सरसाइज 1B का ये पहला क्वेश्चन था और इसमें हम होमवर्क भी बना दे रहे हैं। सभी बच्चों से उनके अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि वो बुक को खरीद लें, नहीं तो पढ़ने में आपको बड़ी असुविधाएं होंगी। अब जैसे हम होमवर्क बुक का दे रहे हैं लेकिन बुक ना होने की वजह से हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको लेना ही होगा। आज ये आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क में है, बॉक्स में भरना है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें आपको यही सिंबल का प्रयोग करना है। इनमें आपको बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। इस प्रकार से आपको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल का प्रयोग करना है। इसको आप होमवर्क के रूप में अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी और आपको होमवर्क मिलेगा, जिस ऐसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ाएंगे उसके आधारित आपको होमवर्क भी साथ में देते रहेंगे। और बुक के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको से खास रिक्वेस्ट है कि बुक अपने बच्चों का तत्काल खरीद लें, नहीं तो पढ़ने में बड़ी ही असुविधा होगी। और हम बुक का ही पढ़ा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रहे। अब इस होमवर्क को हम रेट कर देते हैं। अब हम 1B का एक्सरसाइज 1B का दूसरा क्वेश्चन नोट पढ़ाते हैं आपको। अरेंज Arrange the following in ascending iron heap. Arrange the following in ascending order. पूरा ऐसे लिख दे, यहाँ पे कम जगह था, यहाँ पे लिख देते हैं ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। जगह कम था, असेंडिंग का मतलब जानते हैं आप? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, है ना, जैसे सीढ़ी, पहली सीढ़ी पे दूसरी सीढ़ी पे ऊंचे जाते हुए, मतलब आगे की ओर बढ़ना। पहले छोटी, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, फिर उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, अंत में सबसे बड़ा लिखो। शुरू में सबसे छोटा और अंत में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी,
इनको हमको इन दोनों क्वेश्चनों को असाइंडिंग ऑर्डर, वैसे तो ए और बी दिया गया, उसमें सी भी दिया गया, डी भी दिया गया, लेकिन हम ए और बी को ही क्या आपको क्या करेंगे बताएंगे, असाइंडिंग ऑर्डर लिखा गया जाता है। सॉल्वेशन करें, सॉल्व करें, पहला ए नंबर है, पहले इसको असाइंडिंग ऑर्डर लिखते कहते हैं ए एस सी ई एन डी आई एन डी असाइंडिंग ऑर्डर ओ आर डी ई आर। क्वेश्चन नंबर ए को कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या को ढूंढते हैं इन चारों में, सबसे छोटी संख्या को ढूंढते हैं, तो सबसे छोटी संख्या ये है 35,976। तो सबसे पहले हम 35,976 लिखेंगे, फिर इसको तो लिख लिया, इस वाले लिखने के बाद अब कौन सा इससे बड़ा है, हाँ ये वाला 83,000 है, ठीक कह रहे हो 83,765, तो हम इसको लिख देंगे, फिर इसको भी लिख लिया, 83 के बाद कौन सा 87,000 आएगा, फिर अंत वाला आएगा, ऐसे ही बी नंबर भी लिख सकते हैं, बी में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं समझ में आता है तो ऊपर 1 से 10 सब लिख लें, 1 से कौन सा है, 10 से कौन सा है, देखो 1, 10, 100, 10,000, 1, 10, 100, 10,000, 10,000,000, 10,000,000 है, 1, 10, 100, 10,000, 10,000,000, 52,000,000 68 है तो 52 है, 1, 10, 100, 10,000,000, 5,00,000 है, तो सब छोटा तो यही है 5,28,723। उसके बाद 1, 10, 100, 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000,000 करोड़, तो सब उसके बाद ये तीनों लाख में है, तो ये सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे 52,00,000 1, 10, 100, 10,000,000 लाख में भी है, लाख में ओ आंसर ये ए वाला पहले रहेगा, सबसे पहले ए है 5,22,836 है, अरे क्या है 5,22,000 है, इसमें क्या है 28,000 है, ए वाला है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, ए वाला होगा, क्योंकि ये 68,90,215 और ये 69, तो इसको लिखेंगे, फिर इससे बड़ा जो है वो ए वाला है 1, 10, 100,000, 10,000,000, 10,000,000 करोड़ में है, 1, 10, 100,000, 1, 10, 100,000, 10,000,000, 10,000,000 सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये वाला है, सबसे अंत में लिखेंगे, इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर को लिख सकते हैं बड़े से छोटे की ओर, इसको भी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, अगर कॉपी में नोट आराम से देख कर साथ साथ नोट करिए, आपके बुक में लिखा हुआ है, और आपको इसमें का होमवर्क भी हम दे देते हैं, रेज कर रहे हैं तो आराम से देख के लिखिएगा, रेज कर दे रहे हैं, और ये आपका भी होमवर्क दूसरा है, पहला सवाल दिया था, दूसरा सवाल होमवर्क में देंगे, असाइनमेंट आटा लिखना है, इसको भी क्या करना है लिख लेना है, तीन काम कर दे रहे हैं बुक में, तो आपके चार चार हैं, हम तीन तीन कर दे रहे हैं, आपको करना है
ए आपका वो ए बी सी डी ए चार आपका होमवर्क है, और पहले भी आपको हमने चार दिया था, चार चार आठ एट क्वेश्चन हो गए। अब आपको नोट भी करना है, आपको 11 to 37 भी लिखना है, बहुत ही जरूरी है, और लिखना भी है, और इसको क्या करना है, याद भी करना है, लिखकर उसको क्या करना है, याद भी करना है, और पूरी तरह से इसको याद करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब आंखों से खास फिर रिक्वेस्ट है कि बुक को ख़रीद लें और आराम से बच्चे पढ़ें, और जो समस्या जो है कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।